अब बात करते हैं शेयर बाजार के, जहां पर आज भी तेजी देखी गई। सेंसेक्स करीब 147 पॉइंट चढ़कर 37,641 पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 11,000 से ऊपर बंद हुआ। और बाजार पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल हैं। कुशल, बताइए कैसा रहा आज बाजार का हाल? जी, बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी का रुझान देखने को मिला। इनफैक्ट निफ्टी अगर आप देखें तो वो 57 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। साथ साथ बैंक निफ्टी में देखिए आप 183 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला हमें। साथ साथ सेंसेक्स में भी करीब करीब 150 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद होने में मजबूत हुआ। इसके अलावा अगर आप निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर हैं उसको अगर आप देखें तो वहाँ पर टाटा मोटर्स ने सबसे ज़्यादा बड़ी छलांग मारी। करीब 9% की बढ़त वहाँ पर देखी गई। साथ साथ ब्रिटानिया, टाटा स्टील और येस बैंक जैसे शेयरों में भी 3-6% का उछाल आज के सत्र में दर्ज हुआ। इसके अलावा निफ्टी में गिरने वाले जो शेयर्स थे उसमें आईटी शेयर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गिरे। इनफैक्ट मैं सबसे पहले आईबी हाउसिंग की बात करता हूँ, वो टॉप लूजर रहा, करीब 3.5% वहाँ गिरे। वहीं भारतीय एयरटेल में मल्टीपल ब्लॉक डील्स की वजह से करीब 3.75% की गिरावट यहाँ पर भी दर्ज हुई। पर इन टेक महिंद्रा और इन्फोसिस ये आईटी सेक्टर में टॉप लूजर्स हैं, क्योंकि रुपया में काफ़ी अच्छी मजबूती आज के सत्र में दर्ज हुई। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स जो थे वो काफ़ी फोकस में थे। इनफैक्ट जो वित्त मंत्री ने जो अनाउंसमेंट की थी कि 70,000 करोड़ जो है वो रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार देगी इन बैंकों को, पीएसयू बैंक्स में पूंजी निवेश करेगी, तो उस वजह से इंडियन बैंक जो है वो करीब 5% बढ़ा। साथ साथ इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक में भी अच्छी तेज़ी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। इसके अलावा मेटल पैक जो है वो काफी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में हुआ, क्योंकि ट्रेड वॉर्स की चिंताएं कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही हैं और जो यूएस और चीन के बीच में रिलेशन है वो काफी सुधरता हुआ नजर आ रहा है आगे आने वाले दिनों में। तो इसीलिए एनएमडीसी अगर आप देखें तो करीब 5-5.5% की बढ़त वहां दर्ज हुई। साथ साथ टाटा स्टील करीब 4%, सेल और वेदांता में भी 2.5-3% की मजबूती आज के सत्र में हमें देखने को मिली। ऑटो सेक्टर से अगर आप देखें तो वहां पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट काफ़ी सेक्टर सत्र से ये सेक्टर जो डाउन था वो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट देखने को मिला, जिसमें टाटा मोटर्स सबसे टॉप गेनर रहा, करीब 9% की बढ़त यहाँ दर्ज हुई। वहीं अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स और M&M में भी अच्छा उछाल देखने को मिला। और अंत में आईटी पैक जो मैं बोल रहा था आपको कि रुपए में जो मजबूती आई है उस वजह से यहाँ पे आज गिरावट देखने को मिली आज के सत्र में, जिसमें माइंडट्री सबसे ज्यादा गिरा, करीब 3.5% की गिरावट यहाँ हुई। और साथ साथ टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और TCS जैसे शेयरों में भी आज लाल निशान में बंद होते नजर आए। अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी बातचीत फिर शुरू होने की खबरों के बीच रुपया मजबूती के साथ कारोबार करता नजर आया। कल की भारी गिरावट के बाद आज रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे मजबूत होकर 71.70 रुपए के स्तर पर खुला। कल रुपये डॉलर के मुकाबले 36 पैसे टूटकर 72.02 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन में रुपया 71.67 रुपए के लेवल तक मजबूत हुआ था। फॉरेक्स ट्रेडर्स का यह मानना है कि घरेलू शेयर बाजार में मजबूती लौटने और चीन से ट्रेड वॉर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से सेंटिमेंट्स सुधरे हैं।